एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th के इंग्लिश का सैंपल पेपर, जो कि आपके जुलाई 2023 के बायो मंथली एग्जाम्स के लिए है। ये एग्जाम्स पोस्टपोन होके कुछ स्कूल्स में अगस्त में चल रहा है, ठीक है। तो दोनों ही जो है, जुलाई वाले भी चाहे अगस्त वाले हो, वो दोनों ही इस सैंपल पेपर को जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमें जो है वो पेपर पैटर्न किस तरीके का आने वाला है। तो पेपर हमारा 20 मार्क्स का आएगा, टाइमिंग हमें 40 मिनट्स की दी जाएगी, ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन है उसमें आपको करेक्ट ऑप्शन जो है वो चूज करना है। एक एक नंबर के 5 क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछे गए हैं। वन शुड नेवर सेल वंस हार्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। वन शुड नेवर सेल वंस हार्ट एंड सोल। हमें जो है वो एक इंसान को कभी भी जो है वो अपना दिल और आत्मा जो है वो नहीं बेचना चाहिए, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, नेम द इंस्ट्रूमेंट मेड बाय जगदीश चंद्र बोस। तो जगदीश चंद्र बोस ने कौन सा इंस्ट्रूमेंट बनाया था? तो उन्होंने बनाया था क्रिस्कोग्राफ, ठीक है। नेक्स्ट है, हाउ मच डिड द फार्मर पे द ऑर्फन बॉय। तो फार्मर ने ऑर्फन बॉय यानी अनाथ लड़के को कितना पे किया था? तो उन्होंने पे किया था 3 कॉपर क्वाइंस। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। वहां पे आपसे पूछा गया है, देयर वॉज गोइंग टू बी अ डैश टेस्ट। विशेष कम्स ट्रियो से लिया गया है ये। किस सब्जेक्ट का टेस्ट होने वाला था? इंग्लिश का, ठीक है। गॉड कैन ट्रूली बी फाउंड थ्रू। तो भगवान को जो है वो सच में किस तरीके से खोजा जा सकता है? मेडिटेशन करके, भगवान को फूल चढ़ाकर, मेहनत करके या माला जप कर? तो मेहनत करके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें आपको किसी दो क्वेश्चन का आंसर करना है, दोनों नंबर का यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहला क्वेश्चन ग्रूमिंग ऑफ अ बॉय से लिया गया है। व्हाई डज लिंकन नॉट वांट हिज सन टू बी कडल्ड। तो जो लिंकन थे वो क्यों नहीं चाहते थे कि उनके जो बेटे हैं उनको ज्यादा जो है वो कडल्ड यानी कि छाती से लगाया जाए, ठीक है, यानी कि लाड प्यार जो है वो किया जाए। तो अकॉर्डिंग टू लिंकन, वन बिकम टफ ओनली बाय पासिंग थ्रू द डिफिकल्टीज ऑफ लाइफ, सो दैट इज व्हाई ही डजंट वांट हिज सन टू बी कडल्ड। तो लिंकन जो है उनकी थिंकिंग थी कि कोई भी जो इंसान है वो जीवन की कठिनाइयों से गुजर कर ही जो है वो कठोर बनता है, ठीक है, और इसी कारण से वो अपने बेटे को जो है वो ज्यादा अपनी छाती से लगाकर नहीं रखना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द इवेंट दैट सरप्राइज द वर्ल्ड। ये प्लांट आल्सो ब्रीथ एंड फील से लिया गया है कि कौन सा इवेंट था जिसने वर्ल्ड को सरप्राइज कर दिया, ठीक है। तो जेसी बोस हैड इन्वेंटेड एन इंस्ट्रूमेंट दैट कुड मेजर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। तो जेसी बोस ने एक ऐसा जो है वो कह सकते हो कि इंस्ट्रूमेंट बनाया था जिसने कि जो है वो पौधों की जो ग्रोथ है उसको जो है वो नाप सकता था। ही ऑल्सो प्रूव दैट प्लांट्स हैव हार्ट एंड कैन फील। उन्होंने प्रूव किया कि प्लांट के पास भी दिल होता है और वो भी फील कर सकते हैं। ही प्रूव दैट प्लांट कैन सी। और उन्होंने ये भी प्रूव किया कि प्लांट देख भी सकते हैं। दे कैन सेंस दैट अ स्ट्रेंजर इज कमिंग टुवर्ड देम। वो सेंस कर सकते हैं, भाप सकते हैं कि कोई अजनबी उनके पास आ रहा है। और इट वॉज दिस डिस्कवरी दैट सरप्राइज द वर्ल्ड। और इसी जो है खोज ने जो है सारे संसार को चकित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम ओपन थाई आईज एंड सी थाई गॉड्स। उससे लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने सेंट्रल आइडिया बताना है इस पोयम का। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम इज दैट वी कैन नॉट फाइंड गॉड इन टेम्पल। तो इसका सेंट्रल आइडिया ये है कि हम भगवान को मंदिरों में नहीं खोज सकते। नॉर वी कैन मीट हिम थ्रू चैटिंग सिंगिंग एंड टेलिंग ऑफ बीट। तो हम उनकी जो है वो चैंटिंग करके, मंत्र जाप करके, ठीक है, चैंटिंग होगा यहाँ पर, ये चैटिंग नहीं होगा, चैंटिंग होगा, मंत्र जाप करके, माला फेर के या गाना गाकर, भजन गाकर जो है हम भगवान को जो है वो नहीं पा सकते। गॉड रिसाइड्स विद द फार्मर एंड हार्ड वर्किंग लेबर। भगवान जो है वो मेहनत कश किसानों के बीच में और जो हार्ड वर्किंग लेबर्स हैं, ठीक है, उनके बीच में जो है वो रहते हैं। वन कैन मीट हिम इन ट्रायल एंड स्वेट ऑफ वंस ब्रो। तो एक जो है वो मतलब कि अगर हम भगवान को खोजना चाहते हैं तो इन लोगों के बीच में ही जो है हम खोज सकते हैं जो कि खूब मेहनत करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एक क्वेश्चन का आंसर करना है। व्हाई डिड द बॉय गो टू द फार्मर। जो लड़का है वो फार्मर के पास क्यों गया था? द बॉय वॉज वेरी पुअर। लड़का बहुत ज्यादा गरीब था, उसे काम की तलाश थी और इस वजह से वो किसान के पास गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड सुशील चंद्रास नेबर गेट एंग्री विद हिम। सुशील चंद्रा का जो नेबर था वो उससे गुस्सा क्यों हो जाता है? विशेष कम ट्रियो से लिया गया है। तो सुशील वॉज नॉट वेल बिहेव। सुशील जो है उसका व्यवहार जो है वो अच्छा नहीं था। ही वुड कीप प्लेइंग प्रैंक। वो हमेशा जो है वो लटकर शरारते किया करता था। इट इरिटेटेड हिज नेबर्स, जिससे कि उसके पड़ोसी जो है वो उससे चिढ़ जाते थे। आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, हमारी वीडियोस आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, डू एज डायरेक्टेड।
एक एक नंबर के यहाँ पे दो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है उसमें आपने एडजेक्टिव क्लॉज जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। आई हैव फाउंड द बुक विच यू लॉस्ट यस्टरडे, तो इसमें से जो है एडजेक्टिव क्लॉज कौन सा है, विच यू लॉस्ट यस्टरडे, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द सिनोनियम ऑफ एनी वन वर्ड, किसी एक वर्ड का सिनोनियम यानी कि सेम मीनिंग कह सकते हो या सेम वर्ड कह सकते हो जिसका मतलब ग्लैड ही निकले, ठीक है। तो ऐसा कोई मतलब बताना है तो ग्लैड को हम हैप्पी भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा डिलाइटेड जो है वो भी वर्ड यूज कर सकते हैं, किसी एक वर्ड को लिखना है आपने, ठीक है। ड्रैग के लिए आप फुल वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने एक लेटर लिखना है अपने कजन को कि वो आपके साथ जो है वो समर वेकेशन जो है वो बिताए, ठीक। तो सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस आ जाएगा, फिर जो है वो डेट डालोगे, ठीक है, फिर रिसीवर्स एड्रेस आ जाएगा, इसके बाद जो है अपने सैल्यूटेशन जो है वो लिखना है, फिर आप जो है वो उसका बॉडी जो है वो और बॉडी का लेटर जो है वो स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। डियर उमेश, कॉमा आएगा, सेमीकोलन नहीं आएगा। आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू वेल, मुझे उम्मीद है कि ये लेटर जो है वो तुम्हें बिल्कुल तुम्हारी सही सलामत हालत में जो है वो मिलेगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि तुम बिल्कुल सही होगे। आई हैव रिटन दिस लेटर टू इनवाइट यू टू कम ओवर टू मैसूर, तो मैंने तुम्हें इनवाइट किया है कि तुम जो है वो मैसूर आओ। आई हैव परसुएडेड डैड टू टेक अस टू ऊटी इन द कमिंग समर वेकेशन, तो डैडी को मना लिया है कि वो हमें जो है वो ऊटी लेकर जाए इस समर वेकेशन, हम वहाँ पर पूरे वन वीक रहेंगे, ठीक है। वहाँ पे हम काफी सारी सुंदर सुंदर जगह जो है वो घूमेंगे। We will also take a ride in the Nilgiri toy train. हम लोग जो है वो Nilgiri toy train पे एक ride भी लेंगे। हमें वहाँ पर बहुत मजा आएगा। Do come a week in advance. एक सप्ताह पहले आ जाना। Looking forward to your visit. The rest is fine. तो मतलब कि जो तुम्हारे साथ जो है वो मैं आगे विजिट करने के बारे में सोच रहा हूँ, ठीक है। स्कूल जो है वो रीओपन हो जाए। Give regard to dear aunt and cousin. और जो है कि स्कूल जो है बेसिकली यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि स्कूल के शुरू होने से पहले ही जो है हम यहाँ पे जो है वो विजिट कराते हैं और हमारा जो रिगार्ड है, ठीक है, प्यार जो है वो आंटी और कजन्स को देना। योर लविंगली गगन, ठीक है। इनके सब छोटा करना चाहते हो लेटर को थोड़ा सा, तो लुकिंग फॉरवर्ड डू कम अ वीक इन एडवांस, ठीक है। उसके बाद से आप ये जो लाइन है इसको यहाँ से हटा सकते हो, ठीक है। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट आपको बोला गया है, या तो वो लेटर अटेम्प्ट करना है या फिर आपने एक पैराग्राफ लिखना है ट्राइबल ऑफ उड़ीसा पर, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पर जो है वो कुछ जो है वो हिंट्स दिए गए हैं उसको देखते हुए, ठीक है। देयर आर मेनी ट्राइबल ग्रुप्स इन उड़ीसा, उड़ीसा में बहुत सारे जो है वो आदिवासी समूह रहते हैं। दे लिव इन रिमोट प्लेसेस, वो जो है वो सुदूर स्थानों पर जो है वो रहते हैं। वन सच ग्रुप्स लिव इन द फॉरेस्ट ऑफ कालाहांडी, ऐसा ही एक समूह जो है वो कालाहांडी के जंगलों में रहता है। These people are one of most backward tribes in the world. और ये लोग दुनिया की सबसे पिछड़ी जनजातियों में से एक है। They have dark skin and black hair. इनके जो है वो काली त्वचा होती है, काले बाल होते हैं। The women wear bright colored sarees, while the men wear nothing but loin clothes. ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि यहाँ की जो लेडीज होती हैं वो चमकीले रंग की साड़ियाँ पहनती हैं और जबकि जो मेल होते हैं वो लंगोट पहनते हैं। They still believe that India is ruled by king. ये आज भी यही मानते हैं कि इंडिया में राजाओं का शासन है। These people are illiterate as they do not have any facility of schooling, means of transportation and proper motorable road. तो ये लोग आज भी जो है वो illiterate है, यानी कि अनपढ़ है, क्योंकि इनके पास स्कूली व्यवस्था नहीं है, transportation system नहीं है और एक proper road जो है वो नहीं है। As a result, they are cut off from the rest of the world. जिसकी वजह से ये सारे संसार से जो है वो कटे हुए हैं। They do not have any idea of currency note. उन्हें करेंसी नोट जो कि हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। वो आज के बार्टर सिस्टम में क्या होता है, जैसे सामान के बदले सामान दे देना, ठीक है, उस व्यवस्था पर चलते हैं। They usually live in groups and each group has common property. तो ये बेसिकली जो है वो ग्रुप में रहते हैं और ग्रुप की कॉमन प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। They cure disease with herbs and set bones by rubbing oil. तो यहाँ पर जो है ये बीमार जो है बीमारी को ठीक करने के लिए जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, थीके? और उसी के थ्रू जो है वो हड्डियों को जो है वो तेल को लगाकर जो है हड्डियों को जोड़ते हैं, यानी कि मालिश करके हड्डियों को जोड़ते हैं। द गवर्नमेंट शुड लॉन्च स्कीम्स टू एजुकेट देम एंड ब्रिंग देम टू द मेनस्ट्रीम ऑफ द नेशन, तो सरकार को उन्हें शिक्षित करने और राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने की योजनाएं जो है वो शुरू करनी चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर ये वीडियो हो जाती है हमारी खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड हैव अ नाइस डे।